नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं गणित की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 5 की गणित, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों अध्याय 1 और उसका 7वां भाग हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें आप देखा कि हमारी प्रश्नावली चल रही थी एक, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे बच्चों अभी तक। चलते हैं उससे आगे, क्या करते हैं बच्चों, चलते हैं उससे आगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। संख्या आपको अव्यवस्थित रूप से दी गई है, क्या करना है आपको? सबसे पहले छोटा क्रम, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा क्रम लिखना है। तो जब तक आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान नहीं होगा बच्चों, तब आप कैसे बता सकते हो कि संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? तो सबसे पहले हमें इनको क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा। तो संख्या आपके सामने पहला अंक दिखाई दे रहा है, पहला अंक क्या है बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो पहला अंक हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इकाई अंक दे रखा है बच्चों 7, दहाई अंक पे दे रखा है बच्चों 0, तो दहाई अंक में कुछ नहीं है। फिर सैकड़े का अंक दे रखा है बच्चों 100, सैकड़ा मतलब 100 तो 300। फिर हजार के अंक पर दे रखा है बच्चों तो 9,000, और अंतिम 10,000। 10,000 को हम 5 से गुणा करते हैं तो बनता है 50,000। 50,000 में 9,000 और जोड़ते हैं तो बनते हैं 59,000, और 59,000 में हम क्या करते हैं 300 जोड़ते हैं तो प्राप्त होते हैं 59,300, और अंतिम रूप से दिखाई दे रहा है 7। तो संख्या क्या है बच्चों हमारे सामने? पहली संख्या दे रखी है 59,307। हमने पहली संख्याओं को ज्ञात कर लिया है। फिर बात चलते हैं दूसरी संख्या पर। दूसरी संख्या क्या दे रखी है बच्चों? संख्या वही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इन दोनों संख्याओं को एक साथ में बोल सकते हैं। संख्या आपके सामने दे रखी है बच्चों 53,907। क्या है बच्चों? 53,907 संख्या दे रखी है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात हो गई। फिर चलते हैं तीसरी संख्या पर। तीसरी संख्या क्या दे रखी है बच्चों? 59,703। जिस प्रकार से हमने दोनों संख्याओं को ज्ञात किया, उस प्रकार से हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, 59,703 तीसरी संख्या हमारे सामने है। फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चों? फिर चलते हैं चौथी संख्या पर। संख्या दे रखी है 57,039। क्या दे रखी है बच्चों? 57,039। 57,039 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमने सभी संख्याओं को अलग अलग लिखा। फिर अंतिम संख्या दे रखी है बच्चों 57,903। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी संख्याओं को आप क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हम 10,000 से प्रारंभ करते हैं, 10,000 वाले अंक को लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। इसमें से सबसे छोटा क्रम कौन सा है? सबसे पहले 59,000 है। क्या दे रखा है बच्चों? सबसे पहले 59,000 दे रखा है, उसके बाद में 53,000 दे रखा है, फिर से 59,000 दे रखा है, और अंत में क्या दे रखा है? 57,000 दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है बच्चों? 53,000 वाली है, 53,907। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं ये आएगा एक नंबर पर। अब इससे जस्ट बड़ा संख्या देखते हैं, 53,000 वाली संख्या थी, एक संख्या थी, तो हमारे सामने हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। फिर चलते हैं उससे बड़ी संख्या, जो कौन सी संख्या बच्चों? 57,000। 53,000 के बाद में क्या आता है? 57,000 आता है। तो 57,000 वाली बच्चों दो संख्या है। यहां आप इन दोनों में क्या हो रहे, थोड़े से कंफ्यूज हो रहे, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। संख्या दे रखी है बच्चों सबसे पहले 57,039 दे रखी है, सबसे पहले संख्या दे रखी है वो है 57,039 दे रखी है, और जो दूसरी संख्या दे रखी है बच्चों वो क्या दे रखी है? 57,903। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 57,000, ये तो 0 दे रखा है सैकड़े के अंक पर, तो हम सैकड़े का मान तो इससे तुलना भी नहीं कर सकते। तो पहले 0 आता है या 9 आता है, तो हम कह सकते हैं कि पहले 0 आता है। तो आप कह सकते हैं कि 57,039 है जो दूसरे अंक पर आएगा, क्योंकि वो छोटा है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं 57,903 वो कौन से अंक पर आएगा? तीसरे अंक पर आ गया। अभी तक हमारे सामने तीन अंक ज्ञात हो गए, ठीक है बच्चों, हमने 1, 2, 3 तीन अंकों के मान ज्ञात कर लिए। फिर हमारे सामने बचे 59,000 वाली संख्या, 59,000 वाली संख्या बची, तो हम क्या कर सकते हैं, 59,000 वाली संख्या दोनों की तुलना करें तो इसमें भी 59,000, इसमें भी 59,000। फिर देख सकते हो 307 और इसमें है 703। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले 300 आता है या सबसे पहले 700 आता है? तो हम कह सकते हैं सबसे पहले 300 आता है, तो ये आता है तीसरे नंबर पर। 300 नंबर, 307 वाली संख्या पहले आएगी, और अंतिम रूप से जो संख्या है वो पांचवें नंबर पे आएगी। तो आपको करना क्या है, इसको व्यवस्थित रूप से करना है। सबसे 53,000 वाली संख्या उस पे एक नंबर लगाना है, फिर उसके बाद में 57,000 वाली संख्या दे रखी है बच्चों 57,039, उस पे लगाना है दो नंबर, फिर 57,903 वाली पे लगाना है तीन नंबर,
फिर अंतिम संख्या दे रखी है बच्चों, जो पहली संख्या दे रखी है उसको चार नंबर पे लिखना है, और जो संख्या बच गई पीछे उसको आपको पांचवें नंबर, पांच नंबर पे लिखना है। क्या करना है, जिस संख्या पे मैंने नंबरिंग सिस्टम लिखी है उसको क्या करना है, जो एक नंबर पे है उसको सबसे पहले लिखना है, जो दो नंबर पे उसको उसके बाद में लिखना है, एक नंबर के बाद में, जो तीन नंबर पे उसको उसके बाद में लिखना है, और इस तरीके से आपको व्यवस्थित करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर एक को पूर्ण रूप से एक एक संख्याओं को खोल के सीखा है। फिर चलते हैं उससे आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर। क्वेश्चन नंबर दो क्या दे रखा है बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हो 74,443, फिर क्या बात हो रही है बच्चों 74,434, फिर उसके बाद में बात हो रही है बच्चों 74,344, 74,444 और 77,555 दे रखी है। ये सब सबसे पहले संख्या दे रखी है 74,000, 74,000, 74,000, फिर अंतिम उसके बाद में सेकंड लास्ट संख्या दे रखी है वो है 77,000 और 77,555। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 74,000 वाली संख्या लेनी है। 74,000 वाली संख्या क्या करनी है, सबसे पहले लेनी है आपको, क्या करना है, 74,000 वाली संख्या सबसे पहले लेनी है। तो आप देख सकते हो संख्या आपके सामने 74,000 वाली तीन संख्या है, 74,000 वाली संख्या कंप्लीट होने के बाद में आप देख सकते हो इसमें है 343, इसमें दे रखे हैं, इसमें दे रखा है 443, और सेकंड नंबर संख्या में दे रखा है 434 दे रखा है, और उससे आगे संख्या दे रखी है वो 444 दे रखी है। तो बच्चों आप सबसे पहले कह सकते हो कि 434 पहले आता है या 43 पहले आता है या 44 पहले आता है, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले 34 आता है, तो ये आएगी एक नंबर पर। उसके बाद में आता है 743, 443 वाली, ये आएगा दूसरे नंबर पर। फिर उससे आगे चलते हैं, 43 के बाद में क्या आता है, 44 आता है बच्चों। सबसे पहले देखो संख्या थोड़ी सी फिर से देखनी है हमें, क्या करना है, फिर से देखना है संख्या दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है, ये है 74,443, ये संख्या दिखाई दे रही है 74,434, और इससे आगे वाली संख्या दिखाई दे रही है बच्चों 74,344। तो सबसे पहले 344 वाला अंक आएगा, तो सबसे पहले 300 आता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसको एक नंबर पे लिख सकते हैं। फिर तो उसके बाद में चलते हैं, 74,300 कंप्लीट हो गया, फिर चलते हैं 74,434 वाली, ये आएगा दूसरे नंबर पर, फिर ये आएगा तीसरे नंबर पर। यहां तक तीन संख्या कंप्लीट हो गई, फिर अब इन दोनों की तुलना करता है 77,000 वाली, 77,444 और 77,555। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि आएगा चौथे नंबर पर और ये आएगा पांचवें नंबर पर। तो अभी तक हमने इन संख्याओं को व्यवस्थित रूप से करना सीखा है, और आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन आपको होमवर्क में स्वयं करना है बच्चों। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीन आपको गृह कार्य के रूप में स्वयं करना है बच्चों। स्क्रीनशॉट प्लीज। तो यहां तक कि बच्चों अभी हमारे पांच क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर छह पे। क्वेश्चन नंबर छह क्या है बच्चों, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखा, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर पांच में छोटे से बड़े क्रम में लिखा, अब क्या करना है, जस्ट उसका उल्टा करना है। क्या करना है, सबसे बड़ा क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम किस प्रकार से देख सकते हैं, संख्या आपके सामने है 86,067, फिर उसके बाद में दे रखी है 81,316, फिर 85,032, और फिर 82,511 और 81,154। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें 81,082,085,000, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है बच्चों इसमें आपको 86,086,000 वाली दिखाई दे रही है, तो 86,067 है वो एक नंबर पे आएगा। अब इससे छोटी संख्या देखो, इससे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, ये 81,000, ये 82,000, ये 81,000, इससे छोटी संख्या है 85,032। क्या है, 85,032, वो आएगी दूसरे नंबर पर, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब हमारे सामने इससे जो छोटी संख्या है 85,000 छोटा कौन सा है, 83,000, क्या है, कौन सा है, 82,000, ये आएगा तीसरे नंबर पर। आप ज्ञात कर सकते हो ना संख्याओं को व्यवस्थित करके, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते बच्चों, संख्या आपके सामने है और आपको संख्या के बारे में नॉलेज है तो आप ज्ञात कर सकते हो। तीन संख्या हमें ज्ञात हो गई, अब हमारे सामने संख्या दो दे रखी है बची है, जो 81,316 है और 81,154 है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले 154 पहले आता है या 316 पहले आता है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या देखनी है, तो उसके बाद में ये आएगा चार नंबर पर और अंतिम रूप से आएगा पांच नंबर पर। सबसे छोटी संख्या ये है ना 81,154, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, सबसे पहले इस संख्या को लेना, उसके बाद में ये लिखना है, फिर तीसरे नंबर वाली संख्या, फिर चौथे और इस प्रकार से पांचवें वाली संख्या। तो हमने क्वेश्चन नंबर छह को व्यवस्थित रूप से कर दिया है पहले, चलते हैं क्वेश्चन नंबर छह पर। क्वेश्चन नंबर छह का दूसरा भाग क्या दे रखा है बच्चों, 76,000, सबसे पहले देखो 76,000, 76,540,
उसके बाद में दूसरी संख्या देख सकते हो बच्चों, 73,456। फिर क्या करना है, 74,356 और 76,435 और उसके बाद में 74,653। तो बच्चों इसमें संख्या सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी है, तो बड़ी संख्या में 76,000 वाली दिखाई दे रही है, और 76,000 वाली संख्या क्या है बच्चों, दो संख्या दिखाई दे रही है, एक तो ये वाली 76,000 वाली संख्या और एक ये वाली 76,000 वाली संख्या। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले देखो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, हमें सबसे पहले क्या करना है, बड़ी संख्या देखनी है, और बड़ी संख्या में दो बड़ी संख्या दिख रही है, फिर इन दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। 76,543 संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या दे रखी है 76,435। तो इन दोनों में सबसे पहले आप बता सकते हो कि 435 बड़े होते हैं या 543 बड़े होते हैं। तो हम जेन्युइन सी बात है, बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं, सबसे बड़ी 500 संख्या है, तो सबसे पहले ये संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, ये संख्या आएगी, तो हम इसको कर सकते हैं एक नंबर पर, ये एक नंबर पर आ गई। फिर उसके बाद में देखो ये जो दूसरी संख्या थी वो कौन से नंबर पे आएगी, ये दूसरे नंबर पे आएगी, क्योंकि इससे छोटी संख्या यही है, 76,543 के बाद में जो दूसरी संख्या थी वो 76,435 थी, हमने दो संख्याओं को ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं इससे छोटी संख्या पर, इससे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 74,000, 74,356 और जो तीसरी संख्या दिखाई दे रही है ये वाली संख्या देखनी है आपको, 74,000 वाली, 74,000 वाली दो संख्या है बच्चों, 74,356 और अंतिम संख्या कौन सी है, 74,665। तो बच्चों इसमें दे रखा है 300, इसमें दे रखा है 356 और इसमें दे रखा है 3,635। तो देखना है इसमें इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देख सकते हो बड़ी संख्या लेनी है आपसे, तो आप कह सकते हो 74,653 है बच्चों, वो है इससे जस्ट बड़ी संख्या, तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या लेना है, तो बड़ी संख्या के लिए हम यहां लिखेंगे 3 नंबर पर, और जो संख्या बची है वो कौन से नंबर पर है, वो है 4 नंबर पर। तो हमने अभी तक 4 संख्याओं को ज्ञात कर लिया है, और जो अंतिम रूप से बची है बच्चों वो 5वें नंबर पर आएगी। आप संख्याओं को आराम से व्यवस्थित कर सकते हो, आराम से व्यवस्थित तरीके से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है आपको, गृह कार्य के रूप में करना है, स्क्रीनशॉट प्लीज। तो बच्चों यहाँ तक हमारे, हमने अभी तक क्वेश्चन 6 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, क्या दे रखा है बच्चों प्रश्न नंबर 7, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में ये जो तीन चिन्ह दे रखे हैं बच्चों, छोटे का, बड़े होने का और बराबर होने का, तो क्या करना है आपको, संख्या देखनी है और बताना है। तो संख्या आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का पहला वाक्य दे रखा है 6,850 और दूसरी संख्या दे रखी है 6,852। तो बच्चों इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, जो 50 है वो 52 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, छोटे चिन्ह का प्रयोग करेंगे और ये छोटा वाला चिन्ह इस प्रकार से। हमने सबसे पहले चिन्हों को देखा, जिस तरफ खुल बंद वाला भाग है वो कौन सा है, छोटा, छोटी संख्या, छोटी संख्या, और जिस तरफ बंद वाला भाग है बच्चों वो क्या है, छोटी संख्या, और जिस तरफ खुला वाला भाग है, जिस तरफ ये खुला वाला भाग है वो कौन सी है, बड़ी संख्या। फिर से देख सकते हो आप, और अंतिम रूप से जो बराबर है उसको क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हो कि जो संख्या है 6,850, जो दूसरी संख्या है 6,852 से क्या है, छोटी है, या ये कह सकते हैं कि 6,852 है वो 6,850 से क्या है, बड़ा है। फिर दूसरा सवाल क्या दे रखा है बच्चों, 3,675 और इस तरफ भी दे रखा है 3,675, तो दोनों तरफ बराबर है, तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। और तीसरा सवाल क्या दे रखा है बच्चों, 9,821 और इस तरफ दे रखा है बच्चों 9,799। तो बच्चों इन दोनों में कौन सा चिन्ह आएगा, ये संख्या बड़ी है 9,800 और इस तरफ दे रखा है 9,700, तो इस तरफ ये कह सकते हैं ये जो संख्या है वो 9,821 है, जो 9,799 से क्या है, बड़ी है। चलते हैं उससे आगे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 क्या करना है, 4, 5, 6 आपको क्या करना है, गृह कार्य के रूप में करना है। क्या करना है, गृह कार्य के रूप में, क्योंकि बच्चों जब तक आप स्वयं नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6
आपको क्या करना है, स्वयं होमवर्क के रूप में काम करना है बच्चों। चलते हैं उससे आगे। तो बच्चों आज का ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नावली की जितने भी अभ्यास प्रश्न है आपको फिर से प्रयास करने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आज की कक्षा में इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।